हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मैथ संस्कार ज्ञान। फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम बाद हम अपने चैनल में आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साइंस से रिलेटेड है। तो हमारा टॉपिक है ब्लड, यानी कि रक्त, जिसे हम रुधिर भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, ठीक है। तो रक्त के बारे में आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा जनरल इसकी जो नॉलेज है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसकी जो सामान्यतः जानकारी है वो इस तरीके से है कि ब्लड क्या है। सबसे पहले जो जैसे हमारा कहीं पे कट लग जाता है या चोट लग जाती है हमें, तो लाल रक्त निकलने लगता है, जिसे हम खून कहते हैं। तो एक खून क्या है? यह एक तरल द्रव, तरल है, पदार्थ है, या हम कह सकते हैं यह क्या है, एक द्रव है, यानी कि एक फ्लूइड है इंग्लिश में कहें तो, ठीक है। तो अब इस फ्लूइड, ये फ्लूइड कैसे बनता है या इसमें ये हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ब्लड के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी बताया मैंने, ब्लड जो है एक फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडी में वेसल्स के थ्रू क्या होता है, वेसल्स में फ्लो होता है, रक्त वाहिनियों में जाता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। अब इसमें ये फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और साथ ही साथ में जो भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी आपकी बॉडी में फ्लो करने का और निकालने का काम करता है। अब किस तरीके से करेगा, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, हार्ट पाया जाता है, तो इसी तरीके से ब्लड का फ्लोनेस हमारी बॉडी में कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले ब्लड जो कि एक फ्लूइड फॉर्म में है, ये फ्लूइड फॉर्म किससे बना, जो एक किससे कंपोज किया जाता है, या फ्लूइड से कंपोज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। लगभग हमारी बॉडी के जो में जो ब्लड है उसमें 55% के आसपास क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। उसके बाद आता है इसमें कुछ वेसल्स पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, साथ में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के हमारे पास फ्रेंड्स तीन कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इन्हें बोलते हैं RBC, दूसरी WBC एंड तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में कंपोनेंट्स की बात करेंगे ब्लड की। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है RBC, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, यानी जिसे हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। अब ये लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में रेड पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जैसे आप कभी वीडियोस देखते हैं ब्लड के रिलेटेड, तो उसमें रेड कलर के स्पॉट को दौड़ते हुए दिखाया जाता है, तो वो रेड पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। रेड पिगमेंट से क्या बनता है हमारा, जिन्हें हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन का कारण, हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिसे हम ब्लड कहते हैं। हीमोग्लोबिन से ही क्या नाम आया है, क्या रक्त, यानी कि ब्लड। अब ये जो हीमोग्लोबिन है हमारा, जो ब्लड है उसका कलर जो होता है रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट पाए जाते हैं, लाल वर्णक जिन्हें हम कहते हैं, उन वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खून का जो कलर होता है, हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारी बॉडी में जो रेड जो ब्लड है वो फ्लो होते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ब्लड की फ्लोनेश में या ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी तो हमारी बॉडी में भी क्या आएगी, दिक्कतें आएंगी। चलिए ये तो हो गया आरबीसी के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाएं जिन्हें हम कहते हैं। इसका क्या काम होता है हमारे शरीर में, इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हम बोलते हैं हमें फीवर आ गया, हमें कफ हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां हैं, तो डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे अंदर के जो हमारे बॉडी के अंदर जो रोगाणु जा रहे हैं, जो रोगाणु जा रहे हैं उनसे फाइट करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। जर्म से फाइट करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है। उसके बाद लास्ट में आते हैं हम प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कभी बोलते हैं प्लेटलेट्स हाई हो गई, कभी डाउन हो गई, ठीक है। तो प्लेटलेट्स से रिलेटेड क्या है, प्लेटलेट्स एक जब हम कभी गिर जाते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड क्या होता है, लगातार बहते रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि वो ब्लड क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, ब्लड बहना रुक जा रहा है हमारी बॉडी में, और वहाँ पे क्या होते हैं, हल्के से रेड कलर के क्लॉट बन जाते हैं। तो वो किसके कारण, वहाँ पे क्या पाई जाती हैं, वहाँ पे प्लेटलेट्स के कारण ही वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं वही उसमें कार्य करती है, जिससे हमारी बॉडी का ब्लड रुकता है और वो क्लॉट के रूप में बदल जाता है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो हमारा ब्लड कभी भी बहना बंद नहीं होगा, ब्लड की जो बर्बादी है वो होते रहेगी, ब्लड हमारे शरीर से निकलते रहेगा, ठीक है, और हम धीरे धीरे हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। तो प्लेटलेट्स का होना हमारी बॉडी में जरूरी है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, क्लॉट बनते हैं और हमारा खून निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे ब्लड के कंपोनेंट्स जिनके बारे में हमने आज बात करी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए ब्लड के वेसल्स के बारे में
इसी तरीके से, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।